हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे राजस्थानी किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी नाश्ते की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बची रोटी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आप यकीन नहीं मानोगे कि बची हुई रोटी से हम इतना टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, फटाफट से ही बन के तैयार हो जाता है। और बची हुई रोटी का बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी से। आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना ज़्यादा यम्मी बनता है और फटाफट से ही बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने दो बची हुई रोटियाँ ले ली हैं। रोटियों को हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में आलू को ग्रेट करके ले लिया है। आलू को मैंने पहले उबाल लिया था, उसके बाद हम एक पैन में आलू को ग्रेट करके ले लेंगे। साथ ही में मैं यहाँ पर इसमें डाल लूँगी बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर और प्याज डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया डाल लेंगे। साथ ही में यहाँ थोड़ी सी मैं लाल मिर्च और डालूंगी। स्वाद के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाल लेंगे नमक। थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे आमचूर पाउडर, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए है और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल लेंगे। सब मसाले डालने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से, आलू टमाटर प्याज और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। लगातार चलाते हुए हमें आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कटोरी में बेसन ले लूँगी। मैं यहाँ पर बेसन में डाल लूँगी हरी मिर्च, साथ ही में थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डालूँगी अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अजवाइन को हम हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लूँगी, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। फिर हम इसमें पानी डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसका पेस्ट तैयार करना है बेसन का। यहाँ पर हमें गाढ़ा भी नहीं करना है ज़्यादा और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, मीडियम साइज का हमें यहाँ पर इसका बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हो कि अच्छे से इसका पेस्ट बन के तैयार है। अब मैंने यहाँ पर रोटी ले ली है। रोटी पे मैं यहाँ पर टोमेटो केचप लगा लूँगी। आपके पास है तो लगा लें वरना स्किप करें। टोमेटो केचप लगाने के बाद हमने जो आलू का मसाला तैयार किया ना, उसे हम पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं कि हमने ज़्यादा लगाया मसाला या कम। आपको जिस तरह का भी पसंद हो ना, उतना आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसकी कोई भी टेंशन नहीं है। मैंने तो यहाँ पर भर भर के ढेर सारा आलू का मसाला इस पर अच्छे से फैला लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगी चाकू और चाकू से इसे कट कर लूँगी। पहले तो मैं इसे दो पीसेस में कट करूँगी। दो पीसेस में अच्छे से कट करने के बाद मैं इसे चार पीसेस में कट कर लूँगी। अगर आपको इसी तरह के बड़े पीसेस चाहिए तो आप बड़े भी रहने दे सकते हो, पर मुझे छोटे चाहिए थे तो मैं यहाँ पर और छोटे पीसेस में इसे अच्छे से कट कर लूँगी। एक एक करके यहाँ पर मैं सारे के पीसेस कट कर लूँगी, छोटे छोटे से। आप आपके अकॉर्डिंग पीसेस में इसे कट कर सकते हो। मैंने तो यहाँ इसे छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना बेसन का, उसमें डाल के इसे अच्छे से पूरे पे बेसन का घोल लगा लेंगे। फिर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने को पहले ही रख दिया था, तो तेल क्या है कि अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक पीस इसमें डालेंगे। यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम आंच पर ही हम इसे धीरे धीरे अच्छे से पकने देंगे।
अगर हम एकदम से हाई फ्लेम करेंगे तो ये क्या है कि जल जाएंगे, तो हम इसे धीरे धीरे मीडियम आंच पर अच्छे से पकने देंगे। वैसे तो हमारे आलू अच्छे से पके हुए ही थे, हमें बेसन को थोड़ा अच्छे से पकाना है, तो हम इसे यहाँ मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। यहाँ पर हमें इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा दूसरा बैच है वो भी हम डाल लेंगे। एक एक करके सारे को हम इसमें डाल लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वालों को मीडियम आंच पर पकाया है उसी तरह से हम इन्हें भी मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। अलटते पलटते हुए हमें इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। जब यह पकेंगे तो धीरे धीरे ये फूलने लगेंगे। आपने देखा फर्स्ट में भी कितने अच्छे से फूल गए थे, और ये देखिए आप देख सकते हो कि ये फूलने लग गए हैं और ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये वाला नाश्ता। आपने अगर कभी नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी से बनाना। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से फूल गए हैं, हमें इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से पका लेना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। अब आप देख सकते हो कि इनका कलर कितने अच्छे से चेंज हो गया है, अब ये अच्छे से पक गए हैं, तो अब मैं इन्हें भी बाहर निकाल लूंगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे बना लिए हैं, और आप देख सकते हो कि दो रोटी से कितना ज़्यादा हमारे जो नाश्ता है वो बनके तैयार है। आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर कितना सारा मैंने इसमें मसाला भरा था, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। यहाँ पर आप इसमें ढेर सारा मसाला अंदर भर सकते हैं और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता है, इसको आपकी कोई टेंशन नहीं है। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से फूल भी गया है और कितना क्रिस्पी बना है, कितना यम्मी दिख रहा है दिखने में भी, और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और आप अगर एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपने एक बार ये बची हुई रोटी का नाश्ता बना लिया ना तो आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। यकीन नहीं मानोगे कि बची हुई रोटी से भी इतना टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो कि मैंने दो रोटी से भी कितना सारा ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय, इंजॉय।